यहाँ पर गौरी माता का मंदिर है और पीछे ही जस्ट यहाँ पर कुंड है, गर्म कुंड, तो स्नान ध्यान कर यहाँ से तभी केदारनाथ यात्रा शुरू करते हैं। तो ये स्थान जो है शंकर पार्वती माता जी का विवाह स्थान होने के कारण पूजन का महत्व, पार्वती माता जी का विशेष महत्व है। जो भी लोग आते हैं शंकर पार्वती माता जी का पूजन करते हैं और नारायण भगवान का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। ये हमारा थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ का और जल्दी से हम लोग ब्रेकफास्ट करके टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करके और वापस ऋषिकेश जाना है, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और अभी हम रिजॉर्ट में ही हैं, लेकिन यहाँ से अभी हम जाएंगे त्रियोगी नारायण और काली मठ। एक बहुत सुंदर ये मठ है, इसके बारे में हमें बताया। यहाँ पर ट्रैकिंग का भी रास्ता है और बाय कार भी आप जा सकते हैं, तो वो सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे। तो हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है नारायण कोटी चार मचान रिजॉर्ट से और हम लगभग 25 किलोमीटर जा रहे हैं टुवर्ड्स सोन प्रयाग। तो वहां से फिर आगे एक रास्ता कटेगा लगभग 15 किलोमीटर अलग, 13 से 15 किलोमीटर है जो जाता है ये त्रियोगी टेम्पल की तरफ जहां हम जा रहे हैं। तो रास्ते में हम आपको इतने सुंदर सुंदर नजारे दिखाते हुए जाएंगे। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ, यहां से हमें ये दो रूट दिख रहे हैं। एक सामने सीधा जा रहा है गौरीकुंड और केदारनाथ जी के लिए और हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे त्रियुगी नारायण। और देखिए ये है मल्टी लेवल पार्किंग जो सोनप्रयाग ही है, ये सोनप्रयाग है। हाँ, यहाँ से यात्रा फिर आपकी आगे क्योंकि शुरू होती है, तो यहाँ आप व्हीकल्स अपना पार्क करते हैं। यहाँ से त्रियुगी नारायण 2 किलोमीटर दिखा रहा है और यहाँ पे स्नो भी शुरू हो गई है। त्रियुगी नारायण एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी हुई थी और इसीलिए ये फेमस है, यहाँ पर लोग आकर शादियाँ करते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जैसा कि यहाँ लिखा गया है, और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था और भगवान विष्णु ने खुद संपन्न कराया था। यहाँ आज भी कुछ अग्निकुंड यहाँ है जिनमें 3 युगों से, और वहाँ पर अभी भी अग्नि प्रज्वलित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जोड़ों में जो आते हैं वो अपना वैवाहिक जीवन अगले 7 जन्मों के लिए बहुत ही सुखदायक कोण से संपन्न करते हैं। यहाँ पे 4 कुंड हैं, पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। मुख्यतः 4 कुंड हैं, वैसे यहाँ पे 7 कुंड हैं, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सरस्वती कुंड, नारद कुंड, सूर्य कुंड और अमृत कुंड। 2 कुंड जो हैं मंदिर के गर्भगृह में हैं, उनका जो है एक का तो भगवान का स्नान होता है,
एक कुंड से, अमृत कुंड से, और सूरज कुंड से भगवान का भोग बनता है। बाकी पांच कुंड जो है प्रांगण में यात्री लोगों के लिए हैं। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड तो स्नान करने के लिए, आत्मशुद्धि स्नान करने के लिए। विष्णु कुंड में आचमन होता है। सरस्वती कुंड में पितरादि तर्पण, पितरों को जलदान दिया जाता है, और कोई पिंडादान इत्यादि करता है तो नारद कुंड में उसका उपयोग किया जाता है। नारद कुंड में पिंडदान होता है जी। तो ये जो ये स्थान है, यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर भगवान राजा हिमालय ने, जो पर्वतों के राजा हिमालय थे ना, उन्होंने स्थापित किया। एक बार जब राजा बलि हुए थे, चक्रवर्ती राजा बलि, तो उन्होंने सारे मृत्युलोक को जीत लिया था, तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको स्वर्ग के लिए प्रेरित किया। उसमें से उन्होंने 100 महायज्ञ पूरे करने थे, 99 यज्ञ पूरे कर दिए थे, एक यज्ञ बाकी बचा हुआ था। तो सारे देवता लोग, ऋषि लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। फिर माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। फिर भगवान वामन ने राजा बलि से 3 प्रकृति मांगी। 3 पग से उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया था, एक पग से स्वर्ग लोक को, दूसरे पग से मृत्यु लोक को, तीसरा पग राजा बलि ने अपने जितने पुण्य कर्म किए थे उनके एवज में भगवान को दान दे दिया था। तो तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रख के राजा बलि को पाताल का राज्य दिया। तो तीनों लोकों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ, उन्हीं का नाम है त्रियुगी नारायण। फिर राजा हिमालय ने यहाँ पे मंदिर बनाए, भगवान विष्णु को स्थापित करके अपना कुल देवता बनाया। फिर त्रेता के अंत में जब राजा हिमालय के घर में, हेमवंत के घर में, पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ। पहले वो राजा दक्ष की पुत्री थी, दक्षायनी नाम से, हरिद्वार कणकल के पास में भस्म हो गई थी। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था ना, तो सारे ऋषि मुनि देवताओं को आमंत्रित किया राजा दक्ष ने, लेकिन किसी मनमिटाव के कारण भगवान शंकर की को न तो कोई भाग दिया न तो उनको आमंत्रित किया। उन्हीं को अपमानित करने के लिए उन्होंने उस यज्ञ का आयोजन किया था। लेकिन क्या है कि सती, माता सती बिना मतलब पितृघर में बिना बुलाए गई और अपमानित होके वहीं पर भस्म हो गई थी। तो दूसरा जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर में। तो ये स्थान पार्वती माता जी का भी जन्म स्थान है। पर्वतराज पुत्री होने के कारण उनका नाम जो है पार्वती पला, शैलपुत्री। यहीं कंदराओं में बैठ के पार्वती माता जी ने कई वर्षों तक भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। गौरी गुफा नाम से ऐसी कंदराएँ बनी हुई हैं पहाड़ों में, बड़े बड़े सरोवर हैं यहाँ पे, उन्हीं से जो ब्रह्म कमल खिलते हैं उन्हीं से उन्होंने कई चतुर्मास करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया। फिर त्रेता के अंत में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ शैलपुत्री पार्वती के संग। तो ऐसे ही भगवान विष्णु जो है राजा हिमालय के कुल देवता थे, तो उनको साक्षी करके फिर भगवान शंकर विष्णु भगवान ने भाई का भी रोल ऐसे मतलब वो किया था पार्वती माता जी का विवाह के समय में। तो ये स्थान जो है शंकर पार्वती माता जी का विवाह स्थान होने के कारण पूजन का महत्व, पार्वती माता जी का विशेष महत्व है। जो भी लोग आते हैं शंकर पार्वती माता जी का पूजन करते हैं और नारायण भगवान का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये स्नान करने के बाद फिर धर्मशिला है जहाँ पे कन्यादान का जगह है। बताते हैं उस वक्त राजा लोगों ने 125 मन मोहर मोती 125 लक्ष गायों का दान करके पार्वती माता जी का कन्यादान किया था। तो तीर्थयात्री अभी आके उसी पूजा को दोहराते हैं, उसका नाम है सौभाग्य पूजा। तो बीच मध्य में भगवान त्रिनारायण की मूर्ति, दाहिने भाग में डोला में लक्ष्मी, बाम भाग में सरस्वती। क्षेत्रपाल, कुबेर, मच्छिन्द्रनाथ जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, बद्रीनारायण, रामचंद्र जी, सत्यनारायण, ऐसी कई मूर्तियाँ उनके दर्शन होते हैं। 108 शालिग्राम है शंकर पार्वती माता जी का युगल मूर्ति, ऐसे प्राचीन मूर्तियाँ अंदर में। वो दर्शन करने के बाद यहाँ पे 3 युग से प्रज्वलित अग्नि धूनी जिसको बोलते हैं, बताते उस वक्त राजा लोगों ने, ऋषि मुन लोगों ने मंत्र से उस अग्नि को पैदा किया था। तो उसको जो है जीवित रखने के लिए उसमें लकड़ी चढ़ाया जाता, आज भी वो प्रज्वलित है। भारतवर्ष के अंदर में जितने भी महायज्ञ होते हैं लोग दूर दूर से इसी अग्नि को लेने के लिए आते हैं, यहाँ से अग्नि लेके जाते हैं। वहाँ का जो भस्मी होता है वहाँ यहाँ का मुख्य प्रसादी वही है, नख खूंटा, गाय दान इत्यादि होता है ना, विवाह इत्यादि जो भी होता है यहीं पर होते हैं। और ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अंदर में भगवान के दर्शन है। मतलब प्रेम से लाइन से दर्शन करो, अच्छे से दर्शन करो, फिर भस्मी निकाल के रखो, पैकेट बना के दो बाद में उनके पास थे वो, मैं देता हूँ।
और देखिए कितना प्यारा व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी केदार घाटी दिख रही है यहाँ बर्फ से ढकी हुई। और यहीं से आगे 6 किलोमीटर आगे इस क्षेत्र का लास्ट विलेज है इंडिया का, तोशी उसका नाम है। यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जाती है वहाँ पर। और यहाँ पर अभी अनिल भैया बता रहे हैं हमें कि जब आपदा आई थी तो यहाँ से भी कुछ लोग आए थे इस तरफ, जब क्योंकि पूरा तब तो उस टाइम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ से रास्ता मिले। तो यहाँ से भी एक ट्रैक है, वो भी यहाँ हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ आने का रास्ता है, पैदल लोग आ सकते हैं केदार घाटी से डायरेक्ट। और हमें इस तरफ भी एक ऊपर बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ छोटा सा पहाड़ हमें दिख रहा है। अनिल भैया ये कौन सा ट्रैक है? ये कांठा पावाली ट्रैक है, जो कि गुत्तू टीरी से गुत्तू गंसाली मार्केट से हुए के त्रिनारायण ट्रैक आता है, पूरा त्रियुगी नारायण तक ये ट्रैक आता है। और इस यही ट्रैक आपको उत्तरकाशी भी ले जा सकता है। तो यहाँ से देखिए पूरा 360 डिग्री व्यू मिल रहा है हमें, बहुत ही सुंदर। और ये जो पूरी घाटी दिख रही है, माइंड ब्लोइंग। अब हम सोनप्रयाग से जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ, और यहाँ हमें खच्चर वाले भी दिख गए हैं। यहीं से आप आगे खच्चर भी बुक कर सकते हैं, और गौरीकुंड से यात्रा शुरू होती है केदारनाथ। यहाँ से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, घोड़े खच्चर पैदल सब यहीं से जाते हैं। ये पार्किंग एरिया है, जो जब आप यदि अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में पार्क करनी होती है, और यहाँ तक फिर आप ट्रैकर से आते हैं। अभी तो क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं है इसलिए हमारी गाड़ी को आने दिया, अदरवाइज नॉर्मल डे जब यात्रा शुरू होती है तब उस टाइम पर यहाँ पर आपको प्राइवेट गाड़ी लाना अलाउड नहीं होता है, तो आपको ट्रैकर्स में ही आना पड़ता है। यहाँ पर गौरी माता का मंदिर है, और पीछे ही जस्ट यहाँ पर कुंड है, गर्म कुंड। तो स्नान ध्यान कर कर यहाँ से तभी केदारनाथ यात्रा शुरू करते हैं। जिस तरह बद्रीनाथ जी में तप्त कुंड है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये गौरी कुंड है। नेचुरल ही यहाँ पर गर्म पानी आता है, हमने भी छींटे मार लिए हैं, बिल्कुल गर्म पानी है ये। और माता पार्वती यहाँ यहीं पर इसी कुंड में स्नान किया करती थी। और देखिए यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन दिख रही है, ये सब क्योंकि आपदा जब आई थी तब सब यहाँ पर ये बह गया था, और साथ में ये नदी हमें दिखी रही है, ये दोबारा इसीलिए इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और काफ़ी काम ज़ोर शोर से चल रहा है। होपफुली यात्रा से पहले काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी, इवन रोड्स भी इस बार काफ़ी बेटर मिली हैं हमें। वो झरना देखो कितना सुंदर। काफी जगह एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस आ गए हैं रिजॉर्ट में, क्योंकि टाइम हो गया है 3:00 इन द आफ्टरनून। मौसम बदल सा गया है क्योंकि धूप चली गई है, ठंडा होने लगा है, और अभी क्योंकि हमें वापस ऋषिकेश जाना है, लगभग 5-5.5 घंटे का ड्राइव है, इसलिए हम और ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। बट नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमें अनिल भैया बता रहे हैं यहाँ पर जो काली मठ हमें जाना था, बहुत मान्यता है वहाँ की। भैया हमें बताएंगे क्या मान्यता है। काली मठ हमारे भारत के 4 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है काली मठ, जिसमें कि माँ काली ने महिषासुर का वध करके वहीं अंतर्ध्यान हो गई थी। काली शिला जो ट्रैक है सामने पे, जो नई रोड कटी है, काली मठ मंदिर से 8 किलोमीटर का ट्रैक था, अब ये रोड पहुँचने से ब्यूकी गांव जहाँ तक ये रोड कटी है वहाँ से अब 3 किलोमीटर का ट्रैक रह गए। ठीक है, जो सामने वाली चोटी है, जो प्लेन वाली चोटी है, उसमें काली शिला के माने काली शिला के रूप में तपस्या करी थी काली शिला। अच्छा, काली मठ जाने के लिए हम गाड़ी से भी जा सकते हैं और ट्रैकिंग भी है वहाँ से, वहाँ के लिए। काली मठ तक आप गाड़ी पे जाएंगे, काली शिला के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि पहले 8 किलोमीटर था अब 3 किलोमीटर रह गए। और हमारी लिस्ट में क्योंकि नागताल भी था, एक वो भी बड़ी प्यारी जगह है, उसके बारे में बताएं। नागताल भी अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह है, नागताल से भी ऊपर
केदारनाथ, चौखंबा और खतलिंग ग्लेशियर की पहाड़ियाँ जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। किलोमीटर का ट्रैकिंग है वहाँ पे? वो 3 किलोमीटर का, आप गाड़ी से 3 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत अच्छा, एक सुंदर लोकेशन में नागताल है। तो अब हम जब नेक्स्ट टाइम केदारनाथ जी के दर्शन करने आएंगे, केदार बाबा को अभी हम गौरीकुंड तक गए थे तो अर्जी लगा के आ गए कि हमें जल्दी बुला लेना, तो तब हम कोशिश करेंगे ये नागताल और कालीमठ का जो हमारा अभी ये रह गया है ये रूट हम कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियोस, हमारा पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। रिजॉर्ट भी हमने आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया है जिसे हम अपने चारधाम यात्रा के लिए भी यूज़ करेंगे। चार मचान रिजॉर्ट है इसका नाम। फूड इज़ एक्सीलेंट, सर्विसेज आर वेरी नाइस, बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं ये इतने सालों से इस रिजॉर्ट में हैं, इनको होता है ना जब पुराने लोग होते हैं तो वैसे ही चीज़ें अच्छी हो जाती हैं क्योंकि इनको हर चीज़ के बारे में पता है, कुछ नया इनको बताना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सर्विसेज अल्टीमेट आपको मिलती हैं, हर चीज़ के लिए यस होता है, नो नहीं होता है। तो आप इन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें भी आप अच्छी डील्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो चैनल है वर्ल्ड ऑफ व्हील्स, उसको भी सपोर्ट करना है तो आप वहाँ पर भी सर से इंटरेक्शन कर सकते हैं वहाँ कॉमेंट करके। और जो हमारा इंस्टाग्राम ID है OTA एक्सपर्ट, वहाँ पर आप दोनों चैनल से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो वहाँ आपको आंसर मिलेगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी चलते हैं ऋषिकेश। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।